Hello everyone, welcome back to the another tutorial of past paper assistant exato engineer FPSC का. तो last time हमने 75 तक MCQs cover कर चुके थे, तो अब 76 करने हैं. A capacitor after charging is dash circulated circuited with DC voltage source. So a capacitor after charging is open circuited with DC voltage source. So this will be the correct option. नेक्स्ट लाइक इन केस ऑफ इंडक्टर वो आपका शॉर्ट सर्किट होगा. ओके, इंडक्टर में आपका ये शॉर्ट सर्किट होगा और कैपेसिटर केस में आपका ओपन सर्किट होगा इफ़ यू अप्लाई दी डीसी वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 77. ए किलोवाट और मीटर इज ए डैश टाइप ऑफ मीटर. सो दिस इज रिकॉर्डिंग डिजिटल नॉन. सो हमारे जो घरों के बाहर जो मीटर लगे होते हैं तो वो आपके एनर्जी मीटर उसको हम कहते हैं, और वो वन फेज भी होते हैं, थ्री फेज भी होते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपकी घर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपने थ्री फेज लगाना होगा, क्योंकि वो आपको इकोनॉमिकली सही पड़ेगा, इकोनॉमिकली अच्छा पड़ेगा. और अगर आपके घर की वो रिक्वायरमेंट इतना नहीं है तो फिर वन फेज आप लगा लो. वन फेज में वो अक्सर 100 यूनिट तक जो प्राइस होती हैं उनकी, तो वो 7 रुपीज़ होती हैं. और 100 से अगर आपकी यूनिट बढ़ जाते हैं तो फिर वो आपकी प्राइस वो आई थिंक 10 रुपीज़ हो जाती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इस तरह होता है. यूनिट वो क्या होते हैं, यूनिट आपके किलो वाट आर होते हैं. ओके, और यहाँ पे एक दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि वापडा में अगर आपकी जॉब होगी तो फिर वो कितने यूनिट आपको फ्री देते हैं, 1200 यूनिट्स देते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, फ्री आपको देंगे. ओके, एस डी ओ पोस्ट एडी. ओके, ये पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको थोड़ी सी वो मोटिवेशन मिल जाए. ओके, प्रिपरेशन के दौरान. अच्छा, तो किलोवाट और मीटर, दिस इज़ द रिकॉर्डिंग मीटर. ओके, ये हमें जो भी आपके एनर्जी मीटर होते हैं उसमें आपको बाकी रिकॉर्डिंग हो रहा होता है, तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ मीटर इन्होंने दी रिकॉर्डिंग मीटर. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज 90 डिग्री, द पावर डिलीवर विल बी मिनिमम. ओके, अगर ये 0 डिग्री होगा तो फिर आपका पावर डिलीवर विल बी मैक्सिमम होगा. और यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे होते हैं, इन केस ऑफ द पैसो एलिमेंट, इन केस ऑफ द पैसो कैपेसिटो एलिमेंट एंड इन केस ऑफ द पैसो इंडक्टर एलिमेंट. ओके, रेजिस्टर के केस में आपका पावर डिसिपेट होता है और वहाँ पे आपका एंगल भी जीरो आएगा, लाइक द फेज डिफरेंस, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी इक्वल टू जीरो, और वहाँ पे आपका पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा. यहाँ पे आपका पावर स्टोरेज होगा. ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका मिनिमम होगा. नेक्स्ट टाइम सी गोज इज ए कम्प्लेक्स सिग्नल इज गिवन बाई द रिलेशन आई इज इक्वल 5 + 5 sin 100 πt. दिस सिग्नल हैज़ दी एन एवरेज वैल्यू ऑफ, तो एवरेज वैल्यू इसका 5 ही होगा. ये आपका, इसको अगर आप ड्रा कर लो तो ये आपका कुछ इस तरह ड्रा होगा कि दिस इज द डी सी वैल्यू. ओके, तो डी सी वैल्यू आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पर आपका ये 5 पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ से फिर मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 10 तक जाएगा यहाँ पर, तो इस तरह होगा. और यहाँ पे ये नीचे आएगा इस तरह, तो ये साइन वेव आपका इस तरह बनेगा. सो इसका जो इक्वेशन है दैट इज़ 5 sin 100 πt +5. ओके, इस कर्व का तो एवरेज वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 पे, तो 5 दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यूज इज a power system is predominantly in dash operation, steady state, dynamic, both. So the correct option is steady state. Okay. अच्छा, हमारे पास next MCQs is 82. A deregulated power system is the one which is bundled, no, unbundled, no, where generation, transmission and distribution are not connected, no. None of the above. Okay, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो कि what is mean by the deregulated power system. इसको आप विजुअली देख लो. यहाँ पे deregulated power system में क्या होता है, deregulated power system में it is actually the restructuring of the existing energy meter. Okay, sorry, energy market, जो आपकी energy market है जहाँ पे आपकी generation हो रही है, जो कि आपकी एनर्जी में, तो उसको, इसको रिस्ट्रक्चर करने को हम डी रेगुलेटेड पावर सिस्टम कहते हैं. इट एक्चुअली कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री
to provide the customer the choice of electricity supplier. Okay, so deregulated power system also improve the economic efficiency of the production and use of the electricity. Okay, तो यहाँ पे लाइक आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको इकोनॉमिकली लाइक उसको आप कितना बेस्ट कर सकते हो. सो दैट इज़ द डी रेगुलेटेड पावर यूटिलिटी स्ट्रक्चर. लाइक जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको आप किस तरह डी रेगुलेट कर सकते हो, उसको आप किस तरह और बेहतर कर सकते हो. ओके, जिससे आपको कस्टमर को भी फ़ायदा हो और जिससे आपको भी फ़ायदा मिल जाए. सही है. तो उसमें क्या होता है, इसमें आपका जनरेशन होता है जिनको कंट्रोल करता है जेनकोस. ओके, और ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है ट्रांसकोस, और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेशन करता है लाइक वो डिस्कोस. जितने भी डिस्कोस कंपनी होते हैं, पेस्को हो गया, लेस्को हो गया, आइस्को हो गया, फेस्को हो गया, पाकिस्तान में यही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनको ये करते हैं. तो दिस इज द डी रेगुलेटेड पावर यूटिलिटी स्ट्रक्चर. इंडिया में कुछ कोई और होंगे लाइक यहाँ पे तो जेनकोस, वहाँ पे भी यही होंगे, लेकिन वहाँ पे फिर पेस्को, यहाँ पे पेस्को होता है, आइस्को होता है, टेस्को होता है, वहाँ पे कोई और नाम होंगे. सो दिस इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द डी रेगुलेटेड पावर सिस्टम. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 81, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज. ए डी रेगुलेटेड पावर सिस्टम इज द वन विच इज, ये तो हो गया 82, लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस वीडियो. The power system stability involves the study of the dynamics of the power system under internal transient, under disturbance, under external fault only. So, under disturbance. Under disturbance में आपका दोनों आ जाते हैं, internal transient भी आ जाता है और external fault only भी आ जाते हैं. तो simple, this will be the correct option. Okay, so this is the last, this is the end of this video. If you have any confusion in any MCQs, you can post that MCQs in the comment box. Okay, see you in next video. So this is the end of this tutorial. Okay, iske baad main kisko paper start karne ja raha hu. Ek subscriber ne request kiya tha, to usi ke liye main kisko past paper start karne ja raha hu. Okay, thanks for watching. Allah Hafiz.